आज हम सुनेंगे राम भक्त शबरी की कहानी। शबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण पर हृदय से बहुत कोमल। बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में परम करुणा और प्रेम के भाव कूट कूट कर भरे हुए थे। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह निश्चित कर दिया। आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी शुभ कार्य से पहले वे पशुओं की बलि देते थे। इस प्रथा के लिए उनके पिता विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां ले आए। शबरी ने पिताजी से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? तो पिता ने कहा, पुत्री कल सुबह से तुम्हारे विवाह कार्य और विधियों को प्रारंभ करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए दी जाएगी, ताकि विवाह में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए और सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाए। ऐसा कहकर पिता वहां से चले गए। प्रथा के बारे में सुनकर शबरी का मन द्रवित हो उठा। वह बहुत दुखी हुई। उस रात शबरी को नींद भी नहीं आई और वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रही। उसके मन में एक ही बात रह रह कर उठ रही थी कि कैसे वो इन बेजुबान पशुओं को बचा पाए। तभी अचानक शबरी के मन में एक ख्याल आता है कि यदि वह सुबह होने से पहले भागकर जंगल की ओर चली जाए तो इन जानवरों की जान बच सकती है। शबरी यह बात भी भली भांति जानती थी कि यदि वह इस घर से एक बार चली जाएगी तो उसके बाद वह घर वापस कभी नहीं आ पाएगी। परंतु उसका चित्त किसी भी प्रकार उन बेजुबानों को अपनी वजह से बलि चढ़ते हुए देखने के लिए तैयार नहीं था। सो उसने खुद से पहले उन जानवरों के विषय में सोचा और उसी पल शबरी घर से निकलकर एक घने जंगल की ओर चल दी। अकेले शबरी इस प्रकार घने जंगलों में भटक रही थी, तब शबरी ने शिक्षा प्राप्त करने की सोचकर कई ऋषि मुनियों के आश्रम में दस्तक दी। परंतु एक छोटी जाति की होने के कारण सभी ने उसे धुतकार कर निकाल दिया। कोई भी ऋषि मुनि उसे शिक्षा और ज्ञान देने के लिए राजी नहीं हुआ। इसी प्रकार भटकते हुए शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। मतंग ऋषि ने पूर्ण प्रसन्नता के साथ शबरी को अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। इसके लिए मतंग ऋषि को अन्य कई ऋषि मुनियों के कोप का और विभिन्न प्रकार की तरह तरह की बातें सुनने का तिरस्कार भी सहना पड़ा। उधर शबरी ने बहुत ही जल्द आश्रम और गुरुकुल के नियम कर्म और आचरणों को बहुत ही आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, गऊओं का ध्यान रखना और अन्य गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने जैसे कार्य भी पूर्ण हर्ष और भाव के साथ करती थी। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि भी शबरी के आचरण, व्यवहार और गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि अब बूढ़े हो चुके थे, उनका शरीर भी दुर्बल हो चुका था। तभी एक दिन उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री मेरा शरीर अब दुर्बल हो गया है, अब मैं अपना शरीर छोड़कर परमपिता में लीन होने की इच्छा से समाधि लेना चाहता हूँ। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब शबरी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं, आप मुझे अपने साथ ही ले चलें। तब ऋषि मतंग बोले, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना होगा। तुम्हारी ईश्वर भक्ति और कर्तव्य परायणता, करुणा भाव का तुम्हें उचित लाभ मिलेगा और उसी के फलस्वरूप एक दिन
तुम्हें उस परमपिता का दर्शन होगा। स्वयं राम जी तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह को समाधिगत कर लेते हैं। उसी दिन से शबरी ने श्री राम के इंतजार की लौ अपने हृदय में जला ली। वह नित्य प्रति सुबह होते ही आश्रम की सफाई करके सुंदर सुंदर फूलों से आश्रम को सजाती, मीठे मीठे फल बाग से इकट्ठा करती और श्री राम का इंतजार करती। उसे राम जी के आने की कोई निश्चित तिथि पता नहीं थी, परंतु अपने गुरुवर की बात पर पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन उसके राम जरूर आएंगे। एक दिन शबरी आश्रम के पास एक बड़े तालाब से पानी लेने के लिए गई। वहीं पास ही में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते हुए देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा, जिससे शबरी का हाथ जख्मी हो गया और रक्त की एक बूंद उस नदी के जल में जा गिरी, जिससे उस तालाब का सारा जल लाल रंग का रक्त सा हो गया। शबरी वहां से रोती हुई राम को याद करती हुई अपने आश्रम में वापस आ गई। उस ऋषि ने उस तालाब के जल को ठीक करने के लिए बहुत से प्रयास किए। कई पवित्र नदियों जैसे गंगा और यमुना आदि का जल भी उस तालाब में मिलाया, परंतु फिर भी तालाब के पानी का रंग लाल ही रहा। कुछ वर्षों बाद जब श्री राम सीता माता की खोज करते हुए उस तालाब के पास आए तो वहां के लोगों ने राम जी को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, हम आपके चरणों के प्रभाव को जानते हैं, आप कृपा करके अपने चरणों से इस तालाब के रक्त को छू दें ताकि वह फिर से जल बन जाए और हमारी पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाए। उनके आग्रह पर राम जी ने उस तालाब में अपने चरणों को रखा, परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जल पहले जैसा सुर्ख ही रहा। तब श्री राम ऋषि से कहते हैं, हे ऋषिवर, आप मुझे इस तालाब की संपूर्ण कथा सुनाएं कि कैसे इसका जल रक्त में परिवर्तित हो गया। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूर्ण कथा बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यह जल उसी शूद्र शबरी के कारण अपवित्र हो गया है। तब भगवान बहुत दुखी होकर कहते हैं कि हे ऋषिवर, यह रक्त उस शबरी का नहीं बल्कि मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपने वचनों से दुखाया है और घायल किया है। और भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि कृपा करके आप माता शबरी को यहाँ बुलाएं, मुझे उनसे मिलना है। तभी शबरी को वहां पर बुलाया गया। बुलाने के लिए लोगों ने बताया कि राम जी आए हैं, तो राम नाम सुनते ही शबरी, मेरे प्रभु आ गए, मेरे राम आ गए, ऐसा कहते हुए वहां दौड़ी चली आती है। शबरी के दौड़कर आने से उसके पैरों की धूल उड़कर तालाब में चली जाती है और तालाब का रक्त फिर से जल में परिवर्तित हो जाता है। और राम जी ऋषि से कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने के अनुसार मैंने सब किया, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ और यह रक्त शबरी माता के पैरों की धूल लगते ही फिर से जल बन गया है। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों पर गिर जाती है और अपने साथ अपने आश्रम में आने का आग्रह करती है। शबरी ने उस दिन भी अपना आश्रम फूलों से सजा रखा था और बाग से चख चख कर सबसे मीठे और रसदार बेर अपने प्रभु राम के लिए लाई थी। शबरी पूरे उत्साह और आनंद से प्रभु राम का स्वागत करती है और उन्हें मीठे मीठे बेर खिलाती है। प्रभु राम भी बड़े प्रेम से उन्हें खाते हैं और लक्ष्मण जी से भी बेर खाने को कहते हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ये बेर छूटे हैं, आप भी इन्हें ना खाएं। तब श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, ये बेर छूटे नहीं बल्कि सबसे मीठे हैं, क्योंकि ये प्रेम और भाव से भरे हुए हैं और
भगवान राम और भी अधिक प्रेम से उन बेरों का आनंद लेते हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और राम शबरी के राम बन जाते हैं। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।